मैं राखी जैन, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही यम्मी है और सबको बहुत पसंद है। एक्चुअली ये रेसिपी तो गुजरात की फेमस है, बट मैं अपने तरीके से आपको आज बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। आज मैं लेके आई हूँ चौराफली। चौराफली बनती तो वैसे दाल से है, चौले की दाल से, लेकिन आज मैं बनाऊंगी रवे से, मतलब सूजी से। तो फ्रेंड्स, चौराफली के लिए लगने वाली सामग्री इस तरह है। मैंने लिया है 2 कटोरी रवा। आप कोई भी तरह का रवा ले सकते हो, मोटा पतला जो भी रवा अवेलेबल है वो ले सकते हो। मैंने 2 कटोरी रवा लिया है। एक टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, 1 टीस्पून सादा नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से भी कम, पाव चम्मच लिया तो भी चलेगा, पाव चम्मच ऑरेंज कलर। ये कलर हमें आटे में डालकर आटा लगाना है। आटे में नमक नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, खाली कलर डाल के रवे का आटा लगाना है। ये जो हमने नमक लिए है, नमक, सादा नमक, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये तीनों को मिक्स करके हमें चौलाफली के ऊपर डालना है। तो ये हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम मिक्स करके रख देंगे ताकि चौलाफली बनते ही, गरम गरम जब चौलाफली होती है उस पर डालना होता है। अब हम आटा लगा के रख देंगे। इसमें हम ऑरेंज कलर डालेंगे। और आटा लगा देंगे। आटा लगाने के बाद हमें आधा घंटा आटा ढककर रखना है ताकि सूजी। तो फ्रेंड, आटा हमें कड़ा लगाना है, बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, जितना हो सके उतना कड़ा आटा। आधा घंटा हो चुका है, देखिए हमारा आटा। अब हम इसके समान, एक समान 8 गोले बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। इस तरह से हम इसके 8 से 9 गोले बनते हैं। इस तरह से इतने छोटे छोटे गोले बना लेंगे। फिर इसे लेकर बेलना है। हमें कड़ा आटा इसीलिए लगाना है ताकि ये बिल्कुल इजीली बेलना हो जाए। देखिए आटा कड़ा है तो बेलने में भी इजी हो रहा है और चिपक नहीं रहा है। हमें इस तरह से बेलना है इसे और इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। फ्रेंड, हम जो फुलके, फ्रेंड इतनी इस तरह से रोटी बनानी है, फुलका बनाते उसे थोड़ा सा मोटा बेलना है। फिर मैंने ये पिज्जा कटर लिया है। आपके पास कोई भी डिजाइन वाला स्पून होता है, जो कटिंग वाला होता है, वो ले सकते हो, या पिज्जा कटर भी बेस्ट है। पिज्जा कटर लेना है और इसे हम यहाँ की, इसकी जो साइड है वहां से कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा साइड छोड़ के बीच से इसे कट करेंगे। इस तरह से ताकि ये तलने में इजी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से कटिंग करना है। मैंने पिज्जा कटर से इसे कट किया है, मैंने साइड से बिल्कुल भी कट नहीं किया है, साइड में वैसे ही रखना है और सिर्फ बीच में कट करना है ताकि हमें तलने में आसानी हो। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था पहले से और गरम करने रख दिया था। अब हम इसे तलेंगे। इस तरह से हमें इसमें डालना है और इसे तलना है। देखिए फ्रेंड्स, चौलाफली लग रही है, बिल्कुल चौलाफली। देखिए फ्रेंड्स, इतनी आसानी से हमारी चौलाफली बन गई। जब हम चौले की दाल की चौलाफली बनाते हैं तो उसे काफी मेहनत लगती है, उसे भिगोना, उसे कूटना और फिर उस आटे को बहुत मथना पड़ता है और फिर वो चौलाफली तैयार होती है। ये मैंने रवे की चौलाफली बनाई है और बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, इसे थोड़ी कड़क, देखिए फ्रेंड्स रेडी है हमारी चौलाफली। मैंने इसे अच्छे से फ्राई की है। क्रिस्पी हो गई बहुत। और हमने इसमें जो ऑरेंज कलर डाला था उसकी वजह से
इसका एकदम प्रॉपर कलर आया है फ्रेंड्स। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमने जो मैंने जो आपको नमक बताया था, काला नमक, सादा नमक और लाल मिर्च पाउडर, हमने ये तीनों को मिक्स किया है। और जब ये चोलाफली निकालते हैं, हम गर्म होती है तभी इसमें हमने डालना है इस तरह से। फ्रेंड्स, हमें चोलाफली को इस तरह से चिमटे से पलटना और चिमटे से ही निकालना है ताकि आसानी से इसे हम फ्राई कर सके और निकाल सके। इस तरह से चिमटे से ही निकालना है। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। पहले मैं डाल रही हूँ पैच। आपको अपने हिसाब से जितना पैच पसंद है उतना डाल सकते हैं आप। टोमेटो, धनिया पत्ती, लेमन। तो फ्रेंड्स, हमारी ये चोलाफली बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ। इसकी आवाज जो चोले की दाल की चोलाफली बनाती है वो भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। लेकिन ये हमने बिल्कुल इजी वे में बनाई है। हम ये रोज 8 दिन में एक बार बना सकते हैं। बच्चों को हमेशा नाश्ता चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चेंज हमें भी चाहिए होता है, इसलिए मैंने ये रवे की चोलाफली। तो फ्रेंड्स, अगर आप जैन खाना चाहते हैं तो आप प्याज मत यूज कीजिएगा, इससे जगह आप ककड़ी यूज कर सकती है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए।